नर्वसर्जित हेतिमपुर नगर पंचायत में छठ घाट पूजा स्थल इस बार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस केंद्र नगर पंचायत अध्यक्ष ने छठ घाट बनाया। सभी छठ घाट स्थल पर छठ बेदी को भगवा रंग से सजाया गया, जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही साथ चारों तरफ लाइट, दुधिया रोशनी और साफ सफाई में भारी संख्या में महिलाओं ने पूजा अर्चना की। बता दें कि हेतिमपुर छठ घाट काफी पुराने समय से आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ पर दूर दराज से बड़ी संख्या में महिलाएं छठ महापर्व मनाने आते हैं। छठ गीत बेदी बनाकर पूजा अर्चना कर डूबते और उगते सूर्य की आराधना करती है। साथ ही छठ घाट पर भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। पाँच छह साल से पहली बार इतना बहुत इस समय तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, पहला साल आपकी मनोकामना छठ मैया पूरा करती है। हाँ, कितनी अटूट श्रद्धा है माता के पास छठ मैया के पास। बहुत श्रद्धा है, घाट पे आ रही है 6-7 साल से। इस प्रकार की व्यवस्था हो गया, कभी कभी नहीं। पहला साल अच्छा लगा था। पहले तो कैसे व्यवस्था बन जाए? बहुत बढ़िया बात। आज कब से आप छठ मैया को मानते हैं? अरे आज हो गया 40 साल। अच्छा, छठ माँ का पूजा करती है उससे आपको कुछ फायदा होता है कि नहीं? फायदा तभी ना, 40 साल हो गया। 40 साल से आप व्रत करती है? मेरा लड़का 40 साल का हो गया। मेरी श्रद्धा बहुत ज्यादा, हम शादी के बाद भी हर साल छठ पे आते हैं और यहाँ नहीं जा पाते तो कानपुर घाट पे जाते हैं। पहले से बेहतर साफ सफाई बहुत अच्छी हो गई है, व्यवस्था अच्छी है, किसी तरह का कोई मतलब पैर में चुभने उठने के टेंशन नहीं। पहले ऐसा हुआ था? इससे पहले नहीं। मैं बहुत दिनों से इस चीज को देखता था कि छठ घाट कैसे मनाया जाता है। सीखते सीखते मैं आज मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यह प्रयास किया हूँ कि आम जनता सुविधाओं तक पहुँचाए जाए। और मैंने प्रयास हर स्तर तक किया है और मेरे प्रयास से अगर आप लोगों को लगता है अच्छा है तो इसके लिए आप सभी को साधुवाद।